कोविड 19 में लॉकडाउन में आमजन को राशन की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, लेकिन इस मुश्किल के वक्त में भी कई मुनाफाखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही वाकया सामने आया बालोतरा के वार्ड नंबर 28 में। यहां राशन की दुकान पर गरीबों को मिलने वाली 1 किलो दाल पर भी राशन विक्रेता हेराफेरी कर रहा है। रविवार को वितरित हुई दाल पर कुछ जागरूक लोगों ने दाल को तोला तो किसी का 600 तो किसी का 700 ग्राम वजन निकला। सूचना पर मौके पर नायब तहसीलदार ने पहुंचकर जांच की तो करीब 30 से 35 लोगों को कम दाल मिलने की बात सामने आई। बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चलते घोषित हुए लॉकडाउन के बाद हर आम आदमी के हालात खस्ता नजर आ रहे हैं और राज्य सरकार ने बीपीएल एवं अंत्योदय राशन योजना से जुड़े परिवार को खाद्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करवाने की बात कही है, लेकिन कोरोना आपदा के इस दौर में भी कुछ मुनाफाखोर राशन डीलर इन गरीब परिवारों की राशन सामग्री में हेरा फेरी करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बालोतरा कस्बे के वार्ड संख्या 28 का है, जहां राशन डीलर द्वारा राशन धारकों को मिलने वाली चना दाल में हेरा फेरी करने का मामला सामने आया है। दरअसल वार्ड संख्या 28 के वार्डवासी रविवार को उचित मूल्य की दुकान पर चना दाल लेने के लिए पहुंचे। दाल वितरण के बाद जब कुछ लोग 1 किलोग्राम से कम दाल मिलने का अंदेशा हुआ तो उन्होंने दाल का तोल करवाया। किसी उपभोक्ता को 600 ग्राम तो किसी उपभोक्ता का दाल का वजन महज 700 ग्राम निकला। पूरे मामले को लेकर जब महिलाओं और वार्डवासियों ने राशन डीलर से शिकायत की तो उचित मूल्य की दुकान पर खड़े लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। घटनाक्रम को लेकर वार्डवासियों ने बालोतरा उपखंड अधिकारी एवं पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर शिकायत की जांच की तो करीब 35 लोगों को कम दाल मिलने की बात सामने आई। वार्डवासियों का आरोप है कि राशन डीलर राजनीतिक रसूख के चलते लोगों के राशन वितरण में गड़बड़ झाला कर रहा है। पूर्व में भी कई बार शिकायत के बाद भी स्थानीय प्रशासन राशन डीलर के खिलाफ कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आया है। 3 किलो तोल के दिए, इतनी दाल उतरी है। कितनी निकली है? 2.5 किलो है। तो कंप्लेन वगैरह की वापस आप बता नहीं रहे? कंप्लेन किया था, फोन किया एसटीएम साहब ने, फोन कर दिया। अब क्या कह रहे हैं? कार्रवाई नहीं हो रही है। अब क्या कह रहे हैं? अब तो भैया कार्रवाई हाल तो हो ही नहीं है। यहाँ पर राशन का जो भी अनाज वगैरह लेके जाते हैं ना, ये हमेशा लेडी आती है और लेडी के नाम के ही है यहाँ पर। तो वो ये क्या कह रहा है, इसके अंदर तो 1-2 किलो कम ही आता है। कम कहाँ से आता है भाई, ये कम क्यों देता है भाई? आज जो दालें दी है 1 किलो की जगह, जब इन्होंने बिल्कुल 700 ग्राम ही दाल दी है क्यों? गौरतलब है कि लॉकडाउन की मार से गुजर रहे आमजन बेरोजगारों कगार पर है। वहीं सरकार द्वारा की गई राहत में भी राशन डीलर अपना हिस्सा निकालने में लगे हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं का फायदा आमजन को नहीं मिल रहा है। वहीं उच्च अधिकारियों द्वारा हर बार बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, हालांकि धरातल पर यह दावे खारिज होते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि रसद अधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन राशन डीलर पर किस तरह कार्रवाई करता है।